हम किसी के खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन सर हुमायूं ने कंपनी को इतना बड़ा लॉस दिया है। मैंने कहा ना कि हम कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेंगे। ये जो रिपोर्ट है जो तुमने मुझे दी है ये किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं करना। ये सारा मामला मेरे और तुम्हारे दरमियान है, किसी को इसका पता लगना नहीं चाहिए। इसको मेरे पर्सनल सेफ में रख दो रिपोर्ट को। ओके सर। कभी कभी आई फील सैड। आगा जान तो बहुत अकेले हैं, उनके पास मामा की इतनी यादें हैं, वो भी मुझसे शेयर नहीं करते। सही कह रही हो ना, मैं भी फारूक भाई की तन्हाई देखती हूँ ना तो मुझे बहुत अफसोस होता है। मगर जब मैं उनका नीलो बाजी के लिए प्यार देखती हूँ ना, इतनी शिद्दत देखती हूँ, मुझे पता है किसी और औरत को ये जगह कभी भी नहीं देंगे। नेवर। जब आप मुझे बताती है ना कि आगा जान और मामा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पता नहीं क्यों मगर मुझे सुन के बहुत खुशी होती है। मुझे अभी भी याद है इन दोनों के दरमियान क्या वालेहाना मोहब्बत थी उस वक्त भी। हाँ बस फिर बाजी की जब शादी हुई, फारूक भाई से तो अमेरिका से वो पाकिस्तान चली गई, और गई क्या वो वहीं की होके रह गई। और एक बार आई थी, तुम पैदा हो चुकी थी मगर तुम्हें तो ऑब्वियसली अब याद नहीं होगा। और उसके बाद बस अम्मी अब्बा का एक ही रट लगी रहती थी कि फरहाना अल्लाह करे तुम्हें फारूक जैसा शौहर मिले। बस बाजी तो फिर दुनिया से चली गई, लेकिन फारूक भाई को देख लो अभी तक उनकी मोहब्बत को सीने से लगा के रखा हुआ उन्होंने। बट आई रियली फील दैट बाजी बहुत खुशकिस्मत थी, इतना चाहने वाला उनको शौहर मिला। बस आई थिंक किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। बस मुझे इसी चीज का बहुत दुख है। आगा जान की तन्हाई देख के दुख भी होता है, कभी कभी सोच के बहुत खुशी होती है कि उन्होंने मामा की जगह कभी किसी और को नहीं ली।